हम तन के पुजारी हैं, हम तन के तपस्वी हैं, ये वतन के तपस्वी हैं, ध्यान रखना है। ऐसी तपस्या साधना करते हैं रात दिन। कौन है संघ का स्वयं सेवक? कैसा होना चाहिए स्वयं सेवक? जब समुद्र मंथन होता है ना, अमृत निकलता है, जहर भी निकलता है। एक बात याद रखना, जब अमृत निकला तो सबने हाथ बढ़ा दिए, सबने कहा अमृत हमें मिलना चाहिए, अमृत हमें मिलना चाहिए। सारे देवताओं ने प्याले बढ़ा दिए, ये अमृत कुंभ हमें मिलना चाहिए, अमृत कलश हमें मिलना चाहिए। समुद्र मंथन की बातों को याद करो, जब जब अमृत निकला सबने हाथ बढ़ाए, देवताओं ने हाथ बढ़ा दिए, असुरों ने हाथ बढ़ा दिए, अमृत हमें दीजिए। जब जहर निकला सबके प्याले पीछे हो गए, कोई आगे नहीं बढ़ा। अब ये जहर कौन पिएगा? ध्यान रखना, सारे देवों ने अमृत पान कर लिया, वो अमर हो गए। अमर कहा जाता है देवों को, अमृत पान कर लिया उन्होंने। जब देखा कि जहर पीने वाला कोई नहीं है, तब इस धरती पर कोई महादेव खड़ा हुआ करता है कि लाओ इस विष का पान मैं किया करता हूं। सारे देवों ने अमृत पिया और महादेव ने, शिव जी ने, शिव शंकर भोलेनाथ ने जहर का पान किया। एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, अरे जो अमृत पीता है वो देव होता है, वो जो जहर पीता है वो महादेव हुआ करता है, ध्यान रखना। इसीलिए इतने वर्षों के बाद भी भारत दिनों दिन शक्तिशाली हुआ है, भारत दिनों दिन परिपक्व हुआ है। मेरा भारत 50 साल पुराना भारत क्या था और आज का भारत क्या है, ध्यान रखिए। आज का भारत कहां पहुंच गया है? आज विदेश घबराते हैं। लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी हमेशा फ्लाइट में रहते हैं, ध्यान रखना, हमेशा घूमते रहते हैं। इतने साल प्रधानमंत्री रहे, एक दो साल तो घूमते ही रहे। मैंने कहा नादानों तुम क्या जानो वो क्यों घूमा करते हैं। नरेंद्र मोदी कोई वो व्यक्ति नहीं है जो ऐश आराम और ऐश्वर्य के लिए घूमा हो करता हो, किसी क्लब में जाया करता हो। नरेंद्र मोदी स्वयं सेवक संघ से जुड़ा हुआ वो व्यक्तित्व रहा, उसके संस्कार वैसे रहे, उसने सीखा वह देश का स्वाभिमान, उसने सीखा, ध्यान रखना, दुनिया में हर लोग बीमार होते हैं लेकिन नरेंद्र मोदी को कभी नहीं सुना कि बीमार हुए। और दुनिया की लोग तब चैन से सोते हैं जब हमारा प्रधानमंत्री रात रात जगा करता है, ध्यान रखिए, पूरी रात, कभी सोते नहीं देखा, कभी बीमार नहीं देखा उनको, हमेशा राष्ट्र हित का चिंतन करते रहते, अपना परिवार छोड़ दिया। है कोई प्रधानमंत्री ऐसा जो जाकर के प्रधानमंत्री निवास में रहा करता हो और उसकी माता एक छोटे से घर में रहा करती हो? ध्यान रखना, ये बलिदान कोई करता है, आदर्श कोई स्थापित करता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार इतना बड़ा आदर्श स्थापित किया कर। रात रात नहीं सोते हैं वो, ध्यान रखिए, राष्ट्र हिंदन चिंतन के अलावा कुछ नहीं है। लोगों ने विरोध किया, कर रहे हैं, करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ा करता है, ध्यान रखना। मैंने एक अभी देखा, एक लड़के ने मुझे व्हाट्सएप पर दिखाया, एक झंडा गड़ा है भगवा और एक जानवर आया, एक बैल आया, झंडे को उखाड़ने का प्रयास कर रहा है, पूरे सींग से उसे मार रहा है, हवा में लहरा रहा है झंडा। उसमें इतना सुंदर कमेंट्स लिखा कि उखाड़ना तो सब चाहते हैं लेकिन उखाड़ने की ताकत किसी में नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना है। विचार करना है आपको, नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में, पूरे दुनिया में भारत का जो सम्मान बढ़ाया है ना, 75 साल की आजादी में मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया करता है। हर देश जिसके स्वागत में खड़ा हो, हर वतन जिसके स्वागत में खड़ा हो, हर व्यक्ति को सहमत करा, पूरे दुनिया को एक मंच पे लाने का किसी ने काम किया है तो प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र जी मोदी ने काम किया है। बोले हमेशा फ्लाइट मोड में रहते, तो मैंने कहा क्या हुआ, इससे पहले वाले तो साइलेंट मोड पे रहते थे, वो कहीं गए नहीं बेचारे, कुछ बोल ही नहीं पाए। पूछा गया कि भाई इतने बड़े अर्थशास्त्री दुनिया के, दो और दो चार होते हैं क्या? बोले होते तो चार हैं लेकिन पूछ के बताना पड़ेगा, ध्यान रखना है, आपको सोचना है। ऐसे रणवाकरों की इस देश को जरूरत है। आज मैं बड़े उन्मुक्त भाव से बोल रहा हूं क्योंकि स्वयं सेवकों के साथ बैठा हुआ हूं। स्वयं सेवक और मुझ में कोई अंतर नहीं है। महावीर भी कहते हैं स्वयं सेवक बनो, ध्यान रखना। महावीर ने भी तो कहा
स्वयं मने आत्मा, मैं आत्मा का सेवी हूं, तुम परमात्मा के सेवी हो, ध्यान रखना। क्या अंतर है हम में और तुम में? कोई अंतर नहीं हुआ करता है। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमारा देश को तोड़ा गया, लूटा गया, छुआछूत की भावनाएं डाली गई, ये दंश प्रहार हमारे देश में छोड़ा गया, ये विदेशी लोग चले गए इस धरती पर, लेकिन हमारे देश के टुकड़े करके हमें आजादी मिली है, तो ध्यान रखना, टुकड़ों की शर्त पर मिली, तोड़ दिया गया हमारे देश को, विभाजन कर दिया हमारे देश की संस्कृति को, तहस नहस कर दिया गया, आदमी को आदमी से लड़ा दिया गया, आदमी को आदमी से तोड़ा गया। हम जब भी मिले, हमें कब मिलने दिया गया? मिलने वाला हर रास्ता काटा गया, जब भी मिलने की कोशिश की, हमें बांटा गया, ध्यान रखना, तोड़ा गया हमारे देश को, छुआछूत की भावना है। हिंदू यदि टूटा, हिंदू यदि बिखरा, तो हिंदू संस्कृति पर यदि कोई कुठाराघात करना था, ऊंच नीच की बातें डाल दी, छुआछूत की बातें डाल दी, जाति पात की बातें डाल दी। मैं भारत के हिंदुओं से कहता हूं, ये दकियानुसी ख्याल बाहर फेंक दीजिए। कैसे हैं हम लोग? मंदिर में लड़ जाते हैं, धर्म में ऊंचा नीचा देखते हैं, जातिवाद देखते, ऊंची जाति नीची जाति, और ट्रेन में सफर करना हो तो वहां जात नहीं पूछा करते हैं, होटल में खाना खाना हो तो जात नहीं पूछा करते हैं। ध्यान रखना, आज हिंदू बटा है तो केवल अस्पृश्यता के कारण बटा है, ऊंची जात और ऊंची जात, महाजन कौम और साधारण कौम, इनमें बांट दिया गया हमारे अंदर, लोगों के अंदर डाल करके भेदभाव, और हिंदू की शक्ति को कमजोर किया गया, ध्यान रखना। लेकिन मैं कह सकता हूं, इस बार जो राम मंदिर का शिलान्यास अयोध्या में हुआ है ना, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसने अपनी आस्था की नींव राम मंदिर में जाकर के ना रखी हो, ध्यान रख, एक कर दिया। मंदिर बहाना है, इंसान को एक बनाना है, ध्यान रखना। मैं सोचता हूं कि भारत का चिंतन, लोग इतने वर्षों से राम मंदिर के लिए लोग लड़ते रहे, अरे राम मंदिर के लिए कोई नहीं लड़ा मेरे भाई, राम मंदिर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, हमें तो अपने भारत को मंदिर बनाना था, उसके लिए दुनिया लड़ती रही, मेरा भारत मंदिर जैसा हो जाए। राम स्वाभिमान है, राम शौर्य है, राम ताकत है, राम मर्यादा है, ध्यान रखना। राम जहां है वहां हिंदुस्तान हुआ करता है, ध्यान रखिए, इतना बड़ा शौर्य राम का। माननीय